वाह कन्हैयालाल जी वाह, क्या पोहा बनाया, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, अलग सा कुछ मुंह में आ रहा है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह, तो दवीरा आज से आपका पगार दुगना। जाओ जाओ जाओ, और पोहे लेकर आओ। सागर मही, मैं कल ये बताना भूल गई। सी आई बॉट दिस शॉल। रोहित, कैसी है रोहित? मस्त लग रही है मॉम। वाओ मॉम, वेरी गुड चॉइस, इट्स वंडरफुल मॉम, वंडरफुल। है ना कश्मीरी शॉल। क्या हुआ चापली? चश्मा थोड़ा नीचे नीचे देखो। ओह माय गॉड, ये क्या है, ये इतना बड़ा होल। कोई भी चीज खरीदो ना सासुमा, तो जरा ध्यान से देखकर खरीदो, देखो तो सही कितना बड़ा छेद है। चापली, मैंने देख के ही शॉल ली थी। और कैसे हो गया ये? किसी ने सोने के सारे पोर्टफोलियो पिक्चर काट दिए। ओह माय गॉड, और ये देखो सारे पिक्चर्स में सोनिया का ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव और इनोसेंट फेस ही कटा हुआ है। लेकिन भाभी, ये सब हुआ कैसे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सिर्फ ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव इनोसेंट फेस ही क्यों काटा। हाँ। मुजलिम पतला दिया है। क्या ये लहे सबूत? ये क्या है? ये तू है तिलिनी। किसकी पोती? सोनिया? मैडम माँ, हमारे घर में चूहा दूसाया है। और अरे लेकिन ये मिला कहाँ? कहाँ से मिला ये? हाँ वीरा, ये मिला कहाँ से आपको? पोवे में से। अरे क्या खाक देख के बनाए थे? चूहे की पॉटी सर्व करती। अच्छा एनीवे, मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में चूहा आया कैसे? साकर जी, भूल जाइए कैसे कुछ हुआ है। आपको पता है हमारे गांव में ना घर में चूहे ऐसे घूमते हैं जैसे पार्क में घूम रहे हो। बोलो साकर जी, आप भी तो बड़े मजे से खा रहे थे ना। कि वाह वही पीरारे तो आज क्या चटाकेदार पोहे बनाए, कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है। आप भी तो खा रहे थे ना बड़े मजे से। अरे यार तुम सासुमा, आपने बुलाया? क्या हुआ मॉम, क्या बात थी? घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने चूहे पकड़ने का प्लान बना दिया है। थैंक गॉड, चूहा पकड़ा जाएगा। यस, मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ। हाँ, क्योंकि चूहा तो गणेश जी की सवारी है ना, और चूहे का घर में रहना शुभ माना जाता है। शुभ होता है? चूहे ने खाना खराब कर दिया, मेरी नई की नई शॉल कुतर दी, सोनिया के पिक्चर्स खराब कर दिए, और तुम कह रही हो शुभ होता है? अच्छा है, चूहा पकड़ा जाएगा, सोनिया खुश हुई। यस सोनिया, और चूहे पकड़ने का मैंने माइंड ब्लोइंग प्लान बनाया है। कन्हैयालाल। हाँ जी। ये देखो, ये है चूहादान। इसके अंदर हम रोटी डालेंगे, और जैसे ही चूहा रोटी खाने के लिए अंदर आएगा, पकड़ा जाएगा। एक मिनट कन्हैयालाल, रोटी ये देखो, हम रोटी इसके अंदर ऐसे डालेंगे, फिर चूहा जैसे ही रोटी खाने के लिए आएगा, पकड़ा जाएगा।
चलो अब इसे ऐसी जगह रखते हैं जहाँ चूहा आसानी से इसके अंदर आ जाए। मुझे लगता है इसे रसोई घर में रखना चाहिए। हाँ शायद खाने की लालच से वो वहाँ जल्दी आ जाएगा। मही तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ सासुमा मैं तो एकदम ठीक हूँ। क्यों? नहीं नहीं तुम्हारे मुंह से समझदारी की बातें बहुत कम सुनने को मिलती है इसलिए। सासुमा? हाँ। अरे नहीं ये 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 लेके चलते हैं चूहा पकड़ने अभी चलो। हाँ करेक्ट। थैंक गॉड बिल्कुल सही समय पर ब्रेक लगा दिया वरना। आ दया ना लाया था तू लोटी थाते चला दिया। मैडम माँ मैडम माँ मेरी बाबी जल्दी आइए। मीरा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या? ये देखो चुप नाश्ता तलते चला दिया अभी तो लंच लेते नहीं तल लिया। ओह माय गॉड ये कैसे हो गया? आपको लगता है कि वो चूहा भी सोनिया की तरह इंटेलिजेंट था? मैंने तो पहले ही कहा था ना सासुमा आजकल के चूहे बहुत तेज हो गए और ये पहले के तरीकों को तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके पूर्वजों ने सिखाया होगा ना कि ये चूहादानी से कैसे बचना है। अच्छा उसके पूर्वजों ने कोचिंग क्लासेस लिए होंगे? कुछ भी फेंक रही है सुबह दादा दादी नाना नानी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अरे लेकिन उन लोगों के वक्त पे तो दूसरा पांचला था वो वाला। कुछ भी बोल रही है मही तो उसमें सिखाया होगा कि ऐसा नहीं होता। ओके ओके हम एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। ओके मॉम। हाँ एक बार फिर ट्राई करते हैं। शायद पिछली बार वो कड़ी ठीक से बंद नहीं हुई होगी। इस बार प्रॉपरली बंद करते हैं फिर देखते हैं चूहा कैसे भागता है। अच्छा सासुमा ये वाला जो मटर है ना तो इसमें से कितने दाने निकलेंगे ये बताओ। अगर आपने सही जवाब दिया ना तो नम 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 हाँ मैं आज के दिन आपकी हर बात मानूंगी। बोलो बोलो। तीन। पक्का? पक्का। चार दाने? सिर्फ चार दाने सासुमा। एक दो तीन चार मैं जीत गई। वाह मैं बच गई मैं बच गई मैं बच गई मैं बच गई। क्या बात है मुई बहुत खुश लग रही हो। चूहा पकड़ा गया क्या? ना ना सागर जी अरे ऐसे थोड़ी चूहा पकड़ा जाएगा अभी तो इंतजार चल रहा है। खैर उसको अभी जाने दो। आज पता है मेरे लिए कितना गुड लक वाला दिन था? हाँ मेरी एक पेमेंट जो पिछले 5 सालों से अटकी हुई थी और मैं तो ये मान के चल रहा था कि ये पेमेंट मुझे कभी मिलेगी नहीं लेकिन ये पेमेंट मुझे आज मिल गई। देखो अच्छा अरे वाह। इस पेमेंट को एकदम संभाल के रखना पूरी की पूरी पेमेंट कैश में है मैं। अच्छा सागर जी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये चूहा हमारे लिए शुभ है। अब तो मुझे पूरा विश्वास है इस चूहे को हमारे घर में गणेश जी ने ही भेजा है। चापली अब ये मत कहना कि हम चूहे की आरती करेंगे क्योंकि पेमेंट जो आ गई है। सिर्फ सोचिए सासुमा अरे जो पेमेंट 5 साल से नहीं आई थी वो सिर्फ घर में चूहा आने से आ गई। अब तो ये चूहा इस घर से कभी नहीं जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? एक मैं बोलता हूँ क्या करते हैं हम लोग चूहे को पकड़ लेते हैं मतलब पकड़ने के बाद भी उसको घर में ही रखेंगे। नहीं घर में रखेंगे लेकिन चूहेदानी में बंद करके उसको घर में रखेंगे है ना? ठीक है क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मॉम
देखिए ये चूहे की हलचल वो दिनल तल तक चला दिया। गॉड अब हद हो गई, अब चूहे को जहर देके मारना ही पड़ेगा। कन्हैया लाल जाओ चूहे मारने का जहर लेके आओ। रुको मीरा, देखिए सासू माँ ऐसा मत कीजिए, इस चूहे को हमारे घर में गणेश जी ने ही भेजा है। हाँ मीरा तभी तो सागर जी का अटका हुआ पेमेंट भी आ गया। हाँ पेमेंट आ भी गया और चूहे ने उसे खा के ढकार भी कर दिया। ये देखो सारे नोट खा गया वो। हराम हे अम्मे मौत, क्या किया इस चूहे ने, लगता है नादान चूहा है। मही कभी तो अकल का इस्तेमाल कर दिया करो। कन्हैयालाल जाओ चूहे मारने का जहर लेके आओ। रुको मीरा। कन्हैयालाल जाओ। रुको मीरा, कैसे मैं मेरे पास एक आईडिया है। बोलो क्यों ना हम चूहे को रिझाने के लिए एक चूहिया लेकर आए। हाँ, और उस चूहिया को ना हम लोग एक चूहा दानी में बंद कर देंगे। चूहिया को पटाने के लिए चूहा भागा भागा आएगा, चूहिया खुश होकर नाचेगी मस्त और चूहा दानी बंद। तुम्हें बड़ा पता है चूहे को पटाने का तरीका है? और मही एक और प्रॉब्लम है, हमारे घर में जो है वो चूहा है या चूहिया है ये पता नहीं है, तो अगर बाय चांस वो चूहिया निकली तो वो तो चूहिया के पास नहीं जाएगी ना मही। बात तो सही है, उसके लिए सबसे पहले हमें उसे पकड़ के ये चेक करना पड़ेगा कि वो चूहा है या चूहिया। हाँ क्या, हाँ चूहे को पकड़ के चेक करना पड़ेगा, पकड़ के कन्हैया लाल। हाँ मैडम मुझे लग रहा है कि ये चूहिया है। कैसे? क्योंकि देखो सोनिया भाभी का मेकअप लदा लिया और पागल भय के पैसे काट लिए, मतलब साले ओल्टो वाले शौत है ना चूहिया। कन्हैया लाल फालतू का लॉजिक मत लगाइए। हम लोग एक काम करते ससमा, एक चूहा और चूहिया दोनों को लेकर आते हैं और दोनों को अलग अलग चूहेदानी में बंद कर देते हैं। अगर हमारे घर में चूहा हुआ तो वो चूहिया वाले चूहेदानी में जाएगा और अगर चूहिया हुई तो वो चूहे वाले चूहेदानी में जाएगी। अरे ये तो कमाल का आइडिया है ना मॉम। ठीक है कन्हैया लाल चूहा और चूहिया लेके आओ। ठीक कल के। हाँ।